शुरुआत एक बहुत ही अहम खबर के साथ करते हैं। अहमदाबाद में मौजूद पीएम मोदी आज अपनी मां के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। बस थोड़ी सी देर बाद पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अपने छोटे भाई पंकज मोदी के रायसेन स्थित घर भी वो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा बांध जाएंगे और नर्मदा मैया की पूजा भी करेंगे। नर्मदा नदी पर बने बांध का पीएम मोदी निरीक्षण भी करेंगे। आपको ये बता दें कि दो साल पहले 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी पर बने सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी आज नर्मदा बांध के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मराठाओं की आस्था के केंद्र गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कल देर रात अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी का काफिला जहां से गुजरात उनके दोनों तरफ पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग मौजूद रहे। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं और अपने जन्मदिन की शुरुआत वो मां का आशीर्वाद लेकर करेंगे। और इसी उपलक्ष में वो कल रात को अहमदाबाद पहुंच गए हैं जहां पर एयरपोर्ट पर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। और आज सुबह सबसे पहले अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद नर्मदा माँ की पूजा अर्चना करेंगे। नर्मदा जाएंगे, वहां पर सरदार सरोवर डैम का वो निरीक्षण करेंगे। दरअसल साल 2017 में उन्होंने इस डैम का उद्घाटन किया था और यहां पर आज वो जायजा लेने जाएंगे। इसके साथ वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि विदेश के तीसरे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है। आज उनका जन्मदिन है। पूरे देश भर में धूमधाम से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको ये बता दें कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिवस के सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मना रही है। और समय समय पर हमने देखा है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी इस तरह से जीवन का बड़ा इवेंट रहा हो, चाहे वो चुनाव हो या फिर अपना वोट कास्ट करने जाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं और हमेशा अपनी माँ से मुलाकात करने जाते हैं। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की 2019 लोकसभा चुनाव में, शपथ ग्रहण से पहले वो अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे थे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उनके जीवन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 69 साल के हो गए हैं, 69वां जन्मदिन वो अपना मना रहे हैं। मां का आशीर्वाद लेने वो अपने गांव अहमदाबाद के वडनगर जाएंगे, वहां पर अपनी मां से मुलाकात करेंगे और इसके बाद नर्मदा के भी दर्शन करेंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। नर्मदा स्थित सरदार सरोवर डैम पर लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है और जगह जगह कई कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली नेता के रूप में बीते 10 सालों में उभर कर आए हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 करोड़ से भी ज्यादा उनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं। इसके अलावा विश्व के 3 सबसे शक्तिशाली नेताओं में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है।